kakak dulu punya itu Malaysia. Yo, what's up guys, it's your boy Gamchar Webo back again with a new video. So guys, happy new year आप सबको, और मुझे पता है मैं late wish कर रहा हूँ, लेकिन कोई problem नहीं है यार, दिल से happy new year, enjoy करो, मस्त रहो. तो गाइस चलो आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं. तो आज हम जाने वाले चोर बाजार, जो रहता है हर शनिवार को एम्प्रेस मॉल के आगे. तो वैसे मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन यार हो नहीं पाया. ठीक है, तो आज हम जाने वाले चोर बाजार, एक्सप्लोर करने वाले क्या मिलता है, सस्ता मिलता है, महंगा मिलता है, सब कुछ देखने वाले इस वीडियो में. ठीक है, तो जिन्होंने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करो, नीचे दिया रेड बटन दबा दो, और बाजू में जो बेल आइकन रहता है वो भी दबा दो. ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो कर दो. तो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कोई रुकावट के. Hold up. तो गाइस अपन अभी यहाँ के एक दुकान में आ चुके हैं, और यहाँ पे सारे बाइक के पार्ट्स वगैरह मिल रहे हैं. तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं एक दुकान में आ चुका हूँ, और यहाँ पे मिलता है सारे बाइक के पार्ट, फाइबर पार्ट मिल जाएंगे. मैं भैया से पूछ के बता दूँ क्या क्या रेट है क्या नहीं है. ठीक है, ठीक है, चलो भैया से पूछते हैं अभी क्या रेट है क्या नहीं है. फाइबर मटेरियल है पूरा, ये देखो बाइक का, तो भैया से पूछते हैं. तो भैया बताओ क्या क्या है और क्या क्या रेट है उनका. ठीक है भैया, ठीक है भैया, 650 रुपये इधर इधर बोलो ना, 650 रुपये. हाँ, तो गाइस ये डीओ की नोज, ओल्ड मॉडल की नोज. हाँ, डीओ ओल्ड मॉडल की नोज है ये, 650 रुपये की है. इसे शाइन का मुंडा वाइजर बोलते हैं, तो हेडलाइट अगर भी साथ में आती है, 650 रुपये, 650 रुपये का. अच्छा ठीक है. तो गाइस ये शॉप में बाइक के सारे फाइबर पार्ट जो है अवेलेबल है, या फिर कोई हेडलाइट वगैरह सब अवेलेबल है जो कि फाइबर में है, और इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाएंगे सारे बाइक के, ऑलमोस्ट सारे बाइक में मिल जाएंगे. और ये इनकी दुकान है, शनिवार के अलावा ये हर रोज रहती है, इन्होंने बोला कि हर रोज रहती है. ठीक है, तो आप आके ले सकते हो. ठीक है, और ये आप एक्सप्रेस मॉल, और ये बाजू में इनकी दुकान. ठीक है, तो अभी बात दुकान जो मैं कवर करता हूँ आपको दिखाता हूँ. तो गाइस मैं एक और दुकान में आ चुका हूँ, यहाँ पे भी बाइक के फाइबर पार्ट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं. तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या रेट है और कैसे कंडीशन में है. कंडीशन तो वैसे सबकी नई दिख रही है, मैं भैया से पूछता हूँ क्या रेट है क्या नहीं. एक्सेस एक्टिवा डी ओ के वगैरह फाइबर पार्ट्स मिल जाएंगे, नोज वगैरह, हेडलाइट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे फाइबर में. ठीक है, तो मैं भैया से पूछता हूँ और आपको बताता हूँ. सो गाइस ये है पैशन प्रो का हेडलाइट है, कितने का भैया? ये पूरा कंप्लीट ले रहे हो, भैया 500 रुपये कंप्लीट ले रहे हो, तो पूरा 500 का आ जाएगा ये वाला. और कम भी होगा ना भाई, डिस्काउंट वगैरह दोगे ना? हाँ, डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा. और ये प्लेजर का आगे का, जो आगे का प्लेजर का है, और ये CD 100 है शायद, दिखा दो भैया. ये डीलर्स का है, तो कितने का है ये? और ये स्प्लेंडर का, ये सब, ये 100 रुपये का मिल जाएगा, बहुत चीप है गाइस. कितने का है एक्टिवा का? ये 200 में आ जाएगा भाई एक्टिवा का, अगर आपकी बाइक का अगर टूट गया होगा तो यहाँ पे सस्ते में मिल जाएगा. तो गाइस मैं अभी एक दूसरे दुकान में आ चुका हूँ, यहाँ पे हथौड़ा वगैरह सब लोहे का आइटम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा एकदम रिजनेबल रेट में. ठीक है, इधर भैया इनकी दुकान है एकदम इम्प्रेस मॉल के आगे, ये सब है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो गाइस एक और दुकान में आगे आ चुका, और यहाँ पे मिल रहा है सब जिम का इक्विपमेंट, दिख रहा है डंबल्स वगैरह, सारे वेट वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे. तो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या है कितना है. भैया कितने का? तो गाइस तो ये वेट है 750 रुपये का, और इसके बारे में भैया बोल रहे हैं कि 1000 का है, लेकिन थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, अगर आप आओ तो सब कुछ मिल जाएंगे इधर. और ये काफ़ी सारे बाकी के वेट भी है, ये सब डंबल्स वगैरह है. तो गाइस अपन एक और बाइक वाले पार्ट के दुकान में आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको सभी KTM का फाइबर पार्ट जो हो गए, टंकी का फाइबर पार्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा. तो आपको मैं एक एक दिखाता हूँ और सारे रेट्स वगैरह सब कुछ बताता हूँ. भैया कितने का टंकी वगैरह, कितने का वो? 1500 रुपये. तो गाइस ये सब टंकी वगैरह, पल्सर का टंकी है, ये सब 2000 में 1500 में मिल जाएगा. और एक KTM का व्हील जो है वो भी है यहाँ पे. कितने का है भाई वो KTM का? गाइस ये सब है टंकी का, मास है KTM का, 100 रुपये का है, ज़्यादा महंगा नहीं. आपकी KTM अगर ख़त्म हो चुकी होंगी तो आप उसमें लगा सकते हो. ठीक है, तो देखो आंटी जी कितने की वॉच है? 200 रुपये की.
तो गाइस ये है फास्ट ट्रैक, फर्स्ट कॉपी होंगी शायद, ये 200 की है। हाँ ये ओप्पो का है। और ये फास्ट ट्रैक वगैरह गाड़ी अच्छी है, बाकी आपको तो पता ही है कैसी है, क्या है, समझ रहे हो ना। ये कॉपी है, क्या है, सोनी की घड़ी है बोल रहे हैं, आंटी जी बोल रही है कि सोनी की घड़ी है, ठीक है। ये SD कार्ड वगैरह मिल जाएगा, ब्लूटूथ वाला हेडसेट भी है, ये तो 100-150 में मिल जाएगा अपने को, ठीक है। और ये आजी भाई बैठी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। वैसे यहाँ पे शूट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा अच्छे रेट में, देख रहे हो इधर शूट की दुकान में, आपको दिखाता हूँ। कैजुअल शूज़ भी है जो कि 250-300 की रेंज में ही है, तो समझ रहे हो भावबाजी करना, और सब कुछ मिलेगा अपने को सस्ते में। तो एक ही मतलब भाव जो है आपका, रेट जो है उसमें डटे रहने का, ठीक है। ज़्यादा बोल दिया तो भाई आप लंबे में जाओगे, आपको तो पता ही है, ठीक है। तो ये बाकी है कैजुअल शूज़ वगैरह, आप आओगे तो देख लो फिर क्या मैटर है क्या नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रुकना मना है, चलते रहो प्लीज रेस्ट ले। तो गाइस मैंने एक अजीब दुकान देखी है यहाँ पे, जहाँ पे साबुन जो है पूरा होलसेल में मिल रहा है, ठीक है। आपको एकदम इम्प्रेस मॉल के आगे में शॉप है, तो यहाँ पे एक दुकान है, और भैया बोले कि मत बनाओ, आपका नहीं दिखा रहा हूँ भाई, खुद दिखा रहा हूँ मैं आपको, नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ आपको यार, क्या बात, नहीं दिखा रहा हूँ, फ्रंट कैमरा चालू है भाई, फ्रंट कैमरा चालू। तो भैया जो है थोड़े नाराज़ हो गए और बोल रहे कि वीडियो मत बनाओ, तो इधर इनकी दुकान है, आपको मिल जाएगा सब साबुन वगैरह सस्ते रेट में, ठीक है। जो बाहर आपको 250 रुपये में मिल जाएगा बस साबुन का, तो उनको 60 रुपये में मिल जाएगा उनकी दुकान में, मतलब यहाँ पे सब कुछ मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे थोड़ा मजूरी भी करते दुकान वाले, ठीक है, तो आप उससे थोड़ा बच के रहना फिर, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को ऐसे भी वीडियो बनाना, आपको बताना है क्या चीज़ मिलती, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ो, आगे पे अभी आ चुके हैं अपन असली एंटीक की दुकान में, तो यहाँ पे मिलेगा सब कुछ यार, शोपीस वाला इसको, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कुछ रेट्रो टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ क्या है, कितने की है, कितने की नहीं है, ठीक है। आपको तो गणपति जी कितने के है भैया, ये गणपति जी कितने के है, 500 रुपए बोल रहे हैं भाई। तो गाइस अपन एक और दुकान में आ चुके हैं, और यहाँ पे सब मिलेगा, विंटर वियर मिल जाएगा अपने को, जैकेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उनकी दुकान है, तो मैं आपको एक एक दिखाता हूँ कितने का है क्या है। तो भैया ये कितने का, ये वाला 200 रुपए, ये 200 का है। और ये भैया ये वाला सब 200 का है गाइस, एक बार देख लो, अच्छी है क्वालिटी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस तो ये सब हिसाब किताब है, सब कुछ मिल जाएगा सस्ते में, 150-200 की रेंज में यहाँ पे मिल जाएगा आपको जैकेट वगैरह। ये देखो काफ़ी सारे इधर लड़के, लेडीज के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है, 100-150 रुपये, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके दिखाना तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो आप आओगे तो सब चेक कर लेना, ये भैया है हमारे पास, ठीक है। 150 में एक नहीं, 150 में दो, और ऊपर जो लटके हैं वो 200 रुपये वाले हैं, ठीक है, समझ लो सब। ये देखो भाई भैया फेंक रहे कि भगा भग भगा भग, 150 में दो मिल रहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा गलती से बहक गया था, और मैंने बोला था आपको 150 में एक, तो 150 में देखो दिखाता, देखो दिखाता, देखो तो 150 में दो मिल रहे हैं, 200 में एक जो अच्छे वाले हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपन अगली दुकान में, क्या मैटर है क्या नहीं सब सुलझा लेंगे अपन, ठीक है। ये भैया पान खाया इन्होंने, याद रखना, ठीक है, चलो दूसरी दुकान में। तो गाइस अपन ने अजीबो गरीब दुकान जो है ढूंढ ली है, यहाँ मिलते हैं अपने को बाबा मलंग जो है यहाँ पे मिल चुके हैं, जो बताएंगे जो हर मनुष्य का होता है कष्ट, जो ये बाबा जो है दूर करने वाले हैं अपना, ठीक है। पका क्या हो गया बताइए, दवाई दवाई के बारे में। तो काका जो है नाराज़ हो चुके हैं, अपने को यहाँ से कल्टी हो जाना चाहिए, समझ रहे हो आप, कल्टी काका जो एकदम गर्म में चल रहे हैं, यहाँ पे
पे मिल जाएंगे आपको, सारे सनग्लासेस वगैरह मिल जाएंगे अच्छे रेट में, ठीक है। भैया कितने का है ये वाला? ये 80 रुपए का है, ये 80-100 के रेट में सब कुछ मिल जाएगा। भैया बोल रहे मेरे को नहीं दिखाओ, क्या करूँ मैं पे बताओ, कमेंट में बताओ क्या करूँ मैं। अरे बताओ ना यार क्या देख रहे तुम। ये देखो इधर ग्लासेस वगैरह मिल जाएगा, ये देख कपड़ों वाली दुकान भी है इधर। और चलते आगे बढ़ते हैं भाई, चलते हैं। और अपने को जाना है एटीएम, एटीएम से पैसे निकालना है, क्योंकि मुझे 2-3 टी शर्ट्स वगैरह यहाँ पे पसंद आई थी और मेरा कैश जो है सारा ख़त्म हो चुका है और मुझे जाना है एटीएम, ठीक है भाई। यार आधे घंटे से एटीएम ढूंढ रहे यार, एटीएम नहीं मिल रहा, बताओ यार। नागपुर है यार, यार एटीएम तो होना चाहिए ना हर जगह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस अपने को फाइनली एटीएम मिल चुका है और मैंने कैश जो निकाल लिया, और मैंने जो भैया को बोला था जो दो जैकेट जो निकाल के रखे तो उन्होंने रखा, उनको पैसा देना और जैकेट उठाना है। तो गाइस अपने को नागपुर की लड़कियों का राज जो है अपने को सब कुछ पता चल चुका है, तो मैं इस व्लॉग में जो पर्दाफाश करने वाला हूँ, तो नागपुर की लड़कियाँ वगैरह जो कुछ भी अपना स्टाइल वाला तामझाम जो पहनती है ना, वो सब कुछ इधर से चोर मार्केट से ही आता है। आप अगर ज़्यादा मत सोचना कि लड़कियाँ एकदम यार ट्रेंडी रहती है, ये बहुत महंगा महंगा, कुछ महंगा महंगा नहीं भाई। एक तो बर्डी में जाएंगे, वहाँ पे 150 का टॉप वगैरह उठा लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप। सब कुछ सस्ता है भाई, सब कुछ वैसा ही रहता है। मैं लड़कियाँ अपनी नागपुर वाली लड़कियों का सारा राज जो है पर्दाफाश करने वाला, तो सब यहीं से जो है सब कुछ खरीद रही है, देख रहे हो। तो ये सब तामझाम रहता भाई इधर। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, लड़कियाँ अपना सारा सामान जो है, कुछ टॉप्स हो गया, ईयर रिंग्स वगैरह, चप्पल वगैरह, कुछ भी ड्रेस वगैरह हो गया, सब लोग इधर से ही लेते भाई, सब कुछ नकली बनते हैं अपने साथ। थोड़ी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए, कोई लेडीज़ वगैरह लड़कियाँ वगैरह देख रही हैं तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आपके लिए भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मिल जाएंगा, ये देखो एक प्रॉपर मार्केट जो होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये ड्रेस वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ पे सस्ते रेटों में, 100-150 में सब कुछ मिल जाएगा। ये सब लेडीज़ के गुड ड्रेस, ये शर्ट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो गाइस आप यहाँ आ सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, सब लोग आते हैं, मैंने देखा काफी अच्छी अच्छी लड़कियाँ भी आती है। अगर आपको शर्म आ रही होंगी आते खरीदने के लिए, वैसे कोई बात नहीं है, आओ, सब कुछ अच्छा मिलेगा यार। अच्छा है का चोर है, बस नाम का चोर है, बात बोला सब नाम का चोर बाजार है, सब कुछ अच्छा मिलेगा, नया ही कुछ ऐसे सेकंड हैंड मिलेगा, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे हिसाब आपके हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। पूरा मार्केट है, टी शर्ट लोवर्स वगैरह मिल जाएंगे इधर। 2 hours later, अभी काफी अंधेरा हो चुका है और हम लोग दोनों थक गए, मेरे लिए 3 जैकेट ले लिए हम लोगों ने, और योगेश के लिए जो है कुछ मिला नहीं, लेना है क्या भाई कुछ, इसको नहीं मिल रहा इसका साइज क्या, अपन के साइज वाले जो है ना खाते पीते घर वाले, हम लोग को मिल जाता भाई, इन लोग को नहीं मिलता कुछ, फिर भी देखते हैं क्या मिलता क्या नहीं। 2000 years later, तो गाइस मैं काफी थक चुका हूँ यार, क्योंकि सारी मार्केट जो है घूम रही है, पूरा जहाँ से स्टार्ट होते हैं एंड तक, यहाँ पे एंड होता मार्केट, इधर तक आ चुके हम लोग। आप थकने के बाद थोड़ा सा ड्रिंक पी रहे हम लोग, ठीक है। कल बहुत ज्यादा देर हो चुका था इसलिए मैं आगे का वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो आज मैं बताता हूँ वहाँ पे कैसा रहता है क्या रहता है। सो गाइस वहाँ पे यूज्ड वाले क्लोज भी रहते हैं, यूज्ड वाले चीजें भी रहती है, कुछ ओरिजिनल भी रहते हैं, ठीक है। तो वही आपके लिए चैलेंज है कि आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी यूज चीज़ है, ठीक है। तो गाइस मैंने वहाँ से एक टी शर्ट और एक जैकेट लिया है, टी शर्ट लिया है 100-150 रुपए की, और जैकेट जो लिया है 300 रुपए का लिया है मैंने, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्वालिटी वगैरह अच्छी है, वैसे मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये टी शर्ट है जो मैंने खरीदे 150 रुपए की, ठीक है, कमेंट में बताओ कैसी है, ठीक है। तो गाइस ये वो जैकेट है जो मैंने खरीदे 300 रुपए की वहाँ से, ठीक है। आपको चाहिए होंगे तो आपको वहीं पे मिल जाएगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा आप सबको, ठीक है। और कमेंट में बताओ ये कैसी है, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये एक और टी शर्ट है जो मैंने वहाँ से खरीदे, ये मैंने 150 रुपए की खरीदी है, ठीक है। तो आप भी जा सकते हो वहाँ से खरीद सकते हैं, जो रहता है हर शनिवार को मार्केट, ठीक है।
सो होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया लाइक करो, कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा था, और कमेंट में आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि नागपुरी में कहाँ की वीडियो बनाओ, ठीक है। और जिन्हें नहीं पता है चोर बाजार के बारे में तो दोस्तों को शेयर करो, और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जल्दी सब्सक्राइब करो, नीचे दिया रेड बटन बेल आइकन दबा दो। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, कैच यू लेटर, पीस। What they want, what they want, what they want. Dollar signs, yeah, I know it's what they want, what they want.